ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ସିଏ ଏବଂ ଏନ୍ଆର୍ସିକୁ ନେଇ ବାଦବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କେଉଁଠି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ତ କେଉଁଠି ସମର୍ଥନର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବି ବାହାରୁଛି, ସେତିକିବେଳେ ଆମ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫଗନ ସିଂ କୁଲେସ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ପହିଲେ ତ ଓଡ଼ିଶା ମେ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଆପକା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରା ଦେଶ ଏବେ ସିଏ କୁ ଲେକେ କୁଛ ଲୋକଙ୍କ ପାଖ ଜାନକାରୀ ହେ ଆଉ କୁଛ ଲୋକଙ୍କ ପାଖ ଜାନକାରୀ ବି ନେଇ ହେ, ଫିର ଭି କହିଁ ନା କହିଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ କୁ ମିଲ୍ ରହା ହେ। ଆପକା କ୍ୟା ଇସ୍କେ ଉପର କହିନା? ଦେଖିଏ, मुझे भी पार्टी ने आपके भुवनेश्वर केंद्रपाड़ा भेजा है और नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 अभी पास हुआ है, पर मुझे लगता है कि इसके बारे में देश के लोगों को एक तो जानकारी के अभाव के कारण शायद इस प्रकार की स्थिति है। इस कानून का सीधा संबंध है कि इसमें किसी व्यक्ति के खिलाफ में, किसी समाज के खिलाफ में कानून पास नहीं हुआ है, केवल हमारे भारत के अंदर जिनको हम प्रवासी भारतीय कहें, रिफ्यूजी कहें, जो इस प्रकार के अलग अलग तरीके से लोग हैं, ख़ासतौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और ये उस समय से देश की आज़ादी के बाद से क्रम शुरू हुआ है। उस समय भी जब देश का विभाजन हुआ, आज़ादी मिली है, और पहली बार ये कानून बना 1955 में, तो कुछ इस प्रकार के लोग जो छूट गए, और ख़ास तौर से जो तीन देश हैं वहाँ जो अल्पसंख्यक जिनको हम बोलते हैं, हिंदू समुदाय के पादरी हैं, हमारे ईसाई समुदाय के हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, इस प्रकार के समुदाय के लोग हैं, और उन परिवारों के साथ में जो व्यवहार वहाँ हुआ, कई तरह की यातनाएं उन लोगों ने सही है। और ये क्रम निरंतर चलता भी रहा, पुरानी सरकारें भी कई बार चिंता जाहिर किए, परंतु इस प्रकार का निर्णय करने में वो असफल रहे। अभी पहली बार ये विषय आया नहीं, आज से 25 साल पहले भी ये कानून आया था, परंतु पास नहीं हो पाया, जो भी कारण रहे हों, परंतु कोई नया कानून नहीं है। इसको बार बार लेकर के लोग आए पार्लियामेंट के अंदर, पिछली सरकार में भी ये विषय आया था, बहुमत के अभाव के कारण राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, फिर नया चुनाव आ गया, और अभी 17वीं लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक लेकर के सरकार आई, लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास किया, और भारत के राष्ट्रपति ने इसको कानून के रूप मैं इसको पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया। अब इसके बाद ये जो परिस्थितियां बन रही हैं कि कुछ क्षेत्रों में कुछ वर्ग के लोग या कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग इसका एक प्रकार का आंदोलन, इसको लागू नहीं होना चाहिए, और ये अलग अलग तरीके के लोग प्रयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, ये जो स्थिति अभी खड़ा हुआ है, इसका क्यों, ये क्यों खड़ा हुआ? बीजेपी ने लोगों को ठीक से तरह से समझाया नहीं, या फिर कांग्रेस ने इसका मोड़ बदल दिया? देखिए, कांग्रेस ने इसके बारे में पहले चिंता जाहिर किया, अगर चिंता जाहिर नहीं किया होता तो शायद इस प्रकार की परिस्थितियाँ भी नहीं बनती। आज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून को लेकर के आया, नागरिकता संशोधन विधेयक, तो यही कांग्रेस पार्टी के लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, उनके सहयोगी या अन्य जो भाजपा के खिलाफ में जो लोग रहते हैं, या एंटी बीजेपी कह सकते हैं, इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियाँ आज विरोध कर रहे हैं, जबकि इसका सीधा संबंध है किसी समुदाय वर्ग किसी व्यक्ति के खिलाफ में कानून नहीं है, किसी की नागरिकता समाप्त होने वाली नहीं है। यहाँ तक जो यहाँ रह रहे हैं भारत में, जो मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक जिनको हम कहते हैं, उन लोगों के लिए भी, उनके मन में भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं, मुझे लगता है कि इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है, कि इस देश के इस वातावरण को, जो शांति का एक माहौल इस देश में है, और इसके कारण कांग्रेस ने ये सारा प्रयोग कर रहा है कि इससे माहौल खराब करना और एक प्रकार का अशांति का वातावरण फैलाना, ये शायद इनने प्रयोग किया है। मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार के प्रयोग से ये सफल होने वाले होंगे। स्पष्ट तौर से कानून
के बारे में सबके ध्यान में होना चाहिए। और इसमें हमने कहा है, हमारे गृह मंत्री ने भी हाउस में कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ में कानून नहीं है, केवल उन्हीं 3 ऐसे देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के, जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको नागरिकता देने का ही प्रश्न इतना सा सवाल है, और इसलिए इस प्रकार का कोई किसी के खिलाफ में नहीं है।